हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यमाई टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे विद्युत उपकरण के बारे में। विद्युत उपकरण के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि कौन सा उपकरण क्या कार्य करता है और वो कैसे प्रयोग किया जाता है, उसका कनेक्शन क्या होता है और वो कैसे कार्य करता है। जैसे कि वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर कैसे कार्य करता है, क्या कार्य करता है, विद्युत में क्यों लगाया जाता है। और एम्पियर मीटर, विद्युत मीटर, MCB, ELCB, RCCB और फ्यूज और इंटीग्रेटर, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सा उपकरण क्या कार्य करता है और क्यों प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे रेड कलर पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको और सारी मिलती रहे। तो हमारे चैनल पर आपको AC, फ्रिज, वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, गीजर, हाउस, कंप्लीट इन सब की वीडियो मिलती है टेक्निकल से संबंधित। तो अगर आप इन सब में रखते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ए बाबू ए, हौ ललका बटनवा दबा दो, आ बगलिया में घंटावा बजा दो, तबे नु वीडियो देखेगा। सबसे पहले इसमें देखिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं स्टेपलाइजर वगैरह में लगा होता है। और वोल्ट मीटर में जो तार जोड़ने के लिए पॉइंट बने होते हैं वो दो होते हैं, और इसमें ऐसे एक सुई चलती है। इसके अंदर ऐसे लिखा होता है 0, 50, 100, 150, 200, 200, 250, 300 तक ऐसे लिखा होता है। और वोल्ट मीटर का कार्य होता है कि ये बताता है कि कमरे में कितनी लाइट आ रही है, जैसे 200 वोल्ट आ रही है कि 250 वोल्ट आ रही है, 300 वोल्ट आ रही है, कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है, ये वोल्ट मीटर बताता है। और इसमें तार जोड़ने के लिए जो दो पॉइंट होते हैं, अगर इसका कनेक्शन की बात करें तो इसके एक पॉइंट में न्यूट्रल और एक पॉइंट में फेस, यानी इसको पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है। तो डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस दे करके इसको जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर एकदम आसानी से है कि इसमें न्यूट्रल और फेस की सप्लाई को डायरेक्ट दे दिया जाता है, किसी में न्यूट्रल किसी में फेस दिया जा सकता है। और इसका कार्य होता है कि बताता है कि कमरे में कितनी लाइट आ रही है, जैसे 200 वोल्ट आ रही है कि 250 वोल्ट आ रही है, कितनी वोल्ट आ रही है। दूसरा पार्ट हमारा है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर क्या होता है? एम्पियर मीटर भी वोल्ट, देखने में वैसे वोल्ट मीटर के ही जैसा लगभग होता है, लेकिन जो नंबर होते हैं वो अलग होते हैं। इसमें भी तार जोड़ने के लिए दो ही पॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे लिखा होता है, किसी में लिखा होता है 0 के बाद 5, 10, 15, 20, तो कुछ एम्पियर मीटर 10, 20, 30 करके भी लिखते हैं, कुछ एम्पियर मीटर 4, 8, 12, 16 ऐसे करके लिखते हैं। एम्पियर मीटर का कनेक्शन जो होता है, एम्पियर मीटर का कनेक्शन एक पॉइंट में सप्लाई को इन करवाते हैं, एक पॉइंट में सप्लाई को इन कराते हैं और दूसरे पॉइंट से आउट करा लेते हैं। एक में इन करवाते हैं और दूसरे से आउट कराते हैं। और एम्पियर मीटर बताता है कि कमरे में कितनी लाइट खर्च हो रही है, यानी कितना लोड दे रहे हैं। जैसे कि अगर ये न्यूट्रल और फेस है, अगर हम यहाँ से आउट करवा करके यहाँ पर एक बल्ब का कनेक्शन कर देते हैं, इस बल्ब में न्यूट्रल फेस हमने दे दिया, अब ये बल्ब क्या होगा, ये जलेगा, लेकिन ये बल्ब जलेगा और जितनी लाइट लेगा एम्पियर में कन्वर्ट करके ये एम्पियर मीटर बताएगा, उसकी सुई बताएगी कि हाँ कितनी लाइट खर्च हो रही है, कितना लाइट आगे जा रही है। लेकिन सोचिए कि अगर किसी ने यहीं से उससे एम्पियर मीटर में लाइट जाने से पहले अगर एक बल्ब किसी ने जला लिया तो भी तो ये बल्ब जलेगा, लेकिन एम्पियर मीटर इस बल्ब के खर्च को बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी लाइट यहां से होकर के एम्पियर मीटर से होकर के आउट होगी और अगले उपकरण में जाएगी उतना यह बताएगा कि हाँ इतनी लाइट जा रही है, लेकिन अगर उससे पहले आपने ले लिया तो इसको पता नहीं चल पाएगा। यानी एक में इन करवाना, दूसरे से आउट करवाना, और आउट करवाने के बाद जितनी लाइट आप खर्च करेंगे उसको या एम्पियर में कन्वर्ट करके बताएगा कि हाँ आप इस समय इतना लोड दे रहे हैं, इतना एम्पियर लाइट खर्च हो रही है, एम्पियर में बताता है। अगला पॉइंट हमारा है मीटर, ये विद्युत मीटर। विद्युत मीटर क्या होता है? ये वो मीटर होता है जो कि मेन मीटर होता है, जो खंभे से लगा होता है और डायरेक्ट इसमें तार जोड़ने के लिए ऐसे दो पॉइंट होते हैं, दोनों साइड में दो दो पॉइंट होते हैं, यानी चार पॉइंट होते हैं। और इसमें क्या करना है, न्यूट्रल और फेस की सप्लाई को डायरेक्ट एक साइड से इन करवाते हैं और दूसरी साइड से दोनों को आउट करवा लेते हैं, दूसरी साइड से दोनों को आउट करवा लेते हैं। तो इस तरह से ये मीटर तो डायरेक्ट चलता है, इसमें डिस्प्ले भी लगी होती है, इसमें नंबर भी शो करता है, यह यूनिट में बिजली को बताता है, यूनिट में कन्वर्ट करके बिजली को बताता है कि हाँ ये आज तक आपने कितनी लाइट खर्च किया, ये कंप्लीट बताता है कि आपने आज तक कितनी लाइट खर्च किया, जबकि ये एम्पियर मीटर था तो ये बताता है कि आप वर्तमान समय में कितनी खर्च कर रहे हैं, जबकि ये विद्युत मीटर बताता है कि आपने आज तक कितना लाइट खर्च किया। तो ये हो गया हमारा विद्युत मीटर। उसके बाद है MCB। MCB का पूरा नाम होता है मेन सर्किट ब्रेकर। मेन सर्किट ब्रेकर कहीं कहीं लिखा होता है मिनीचर सर्किट ब्रेकर और कहीं कहीं लिखा होता है ऐसे मेन सर्किट ब्रेकर MCB। मेन सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है कि ये मेन में लगा होता है, इसका कार्य होता है, जैसे देखिए MCB कहीं कहीं डबल भी लगता है, कहीं कहीं सिंगल भी लगता है, और इसमें भी नॉर्मल तार जोड़ने के लिए ऊपर दो पॉइंट बने होते हैं और नीचे भी दो पॉइंट का मतलब दो में दो बने होते हैं, एक में एक ही बना होता है। और इसमें फ्यूज की तरह ही, जैसे कि न्यूट्रल और फेस के साथ जोड़ते हैं तो एक में एक को इन करवाते हैं, दूसरे में दूसरे को, ऊपर से इन करवाएं और नीचे से आउट करवा लें, एकदम नॉर्मल कनेक्शन है कि न्यूट्रल और फेस को ऊपर से इन करवाएं और नीचे से आउट करवा लें, होता है हमारा MCB। MCB का कार्य ये होता है
होता है कि अगर यहाँ से आउट करवाने के बाद पूरे घर की वायरिंग जो भी किया गया है, अगर पूरे उपकरण में कहीं पर भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है, थोड़ी सी भी शॉर्ट होती है, तो ये ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देता है, अपने आप सप्लाई को कट कर देता है। यहीं से जो है ये MCB का पॉइंट होता है, ये ऊपर होता है, तो ये गिर जाता है। गिरने से क्या होता है कि आगे लाइट नहीं जा पाती है, जिससे हमारे सभी उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो MCB जो होता है ये शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। अगला पार्ट हमारा है ELCB। ELCB देखने में MCB के ही जैसा होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, देखने में सेम एकदम वैसा ही लगेगा। और इसका जो कनेक्शन है वो भी सेम है कि ऊपर से दोनों न्यूट्रल और फेस को इन करवाइए, नीचे से आउट करवा लीजिए, एकदम मतलब कनेक्शन और देखने में दोनों सेम है, लेकिन काम और दाम दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे देखिए MCB की अगर मार्केट में खरीदने जाए तो लगभग 150 रुपये की मिल जाएगा आपको, ये भी एम्पियर के हिसाब से मिलती है, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, कितना एम्पियर की लेना है। और ELCB जो है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और ELCB का नाम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका कार्य ये होता है, समझिए, अगर यह ELCB होता तो कनेक्शन तो सेम है, चित्र भी सेम है, सब कुछ देखने में भी सेम है, अगर ELCB होता तो मार्केट में लगभग ये मिलता है 3000 रुपये तक का, 3000 से ऊपर इसकी रेट है, इसका प्राइस है। और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का कार्य होता है कि अगर यहां से लाइट आउट होने के बाद अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर भी अगर करंट मार रहा है तो ये ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देता है। अगर किसी व्यक्ति को करंट मारता है तो क्या होता है कि इस जो वायर है, इस वायर को कहीं ना कहीं से अर्थ मिलता है, और अर्थ मिलने पर ये सप्लाई को कट कर देता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने टच किया तो शरीर से अर्थ मिलता है, जिसके कारण ये ELCB सप्लाई को कट कर देता है। इसका नाम ही है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब कि अर्थ के लीक होने पर सर्किट को ब्रेक कर देता है, यानी अर्थ के लीक होने पर सर्किट को ब्रेक कर देता है। मतलब कि अगर कहीं से इसे अर्थ मिला, लीक हुआ, तो सर्किट को यानी पूरी सप्लाई को ब्रेक कर देता है, मतलब रोक देता है। अगला पॉइंट हमारा RCCB। RCCB का पूरा नाम है रेजिडुअल सर्किट करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां का उपकरण, देखिए कनेक्शन इसका भी सेम है, और इसमें डिफरेंस यह है कि जहां 32 एम्पियर से ज्यादा का लोड दिया गया हो, यानी बड़े उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पे 32 एम्पियर से ज्यादा का लोड देना हो वहां पे RCCB का प्रयोग किया जाता है। यह भी शॉर्ट सर्किट होने पर सप्लाई को कट करता है, यानी MCB की तरह कार्य करता है। अगला पॉइंट हमारा है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, नॉर्मल फ्यूज को तो जानते ही हैं कि फ्यूज उन उपकरणों में लगाया जाता है कि अगर हमारा कोई भी उपकरण जो हमारे घर में लाइट आ रही है अगर वह एक निश्चित सीमा से अधिक आ रही है तो ऑटोमेटिक फ्यूज उड़ जाता है, फ्यूज जल जाता है, जिससे पूरे घर की लाइट जलने से बच जाती है, सप्लाई कट हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर क्यों लगाया जाता है, इंडिकेटर संकेत करने के लिए लगाया जाता है कि सिस्टम में कमरे में लाइट आ रही है या नहीं। इंडिकेटर के अंदर देखते बता देते हैं इसका कनेक्शन। इंडिकेटर में न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट दिया जाता है, एक में न्यूट्रल एक में फेस, जबकि इतना छोटा सा बल्ब होने के बाद भी इंडिकेटर डायरेक्ट जलता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बल्ब लगता है, जो बल्ब लगता है उस बल्ब का नाम होता है नियोन, नियोन बल्ब लगा होता है, और नियोन बल्ब को रोकने के लिए यानी फ्यूज होने से बचाने के लिए इसके अंदर एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी लगा होता है कि अगर यह रेजिस्टेंस नहीं होता ये जो नियोन बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है, वो खराब हो जाता है, तो रेजिस्टेंस भी लगा होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।